गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम अर्थ यानी किसके बारे में अर्थ के क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और कंसिडर कर सकते हैं कि क्लासेज है तो भाई तो ये भी सब फाइला कहलाएगा सो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टोटल क्लासेस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो टोटल क्लासेस जो होंगे वो दैट इज सेवन होंगे कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स सेवन होंगे ना अब एक और चीज याद रख लेना जब सेवन क्लासेस है तो यानी क्लासेस कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होगा और ये क्लासेस अपने में ही एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डियर स्टूडेंट्स ओके आओ अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थरोपोर्ट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में देखा था कि जैसे यह ऑर्गेनिज्म ट्यूब विद इन ट्यूब होते हैं ठीक है बॉडी दो पार्ट में डिवाइडेड होता है एक हैड थॉरिक्स एबडोमिन और दूसरा में दैट इज सेफेलोथॉरिक्स और एबडोम टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है आई दो टाइप में प्रेजेंट होता है एक कंपाउंड आई होता है दूसरा सिंपल आई होता है टू थर्ड ऑफ लिविंग स्पीसीज इसके प्रेजेंट हैं सेवेंटी परसेंट डिस्कवर्ड हैं एनिमल सेपरेट होते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल होता है लार्वा प्रेजेंट होता है और फाइलोजेनेटिक कंसिडर क्या करता है लाइफ करता है डियर स्टूडेंट्स नाउ याद रख लेना बॉडी कैसे होते हैं ट्रिपलो ब्लास्टिक होते हैं हार्ट इसका वेंट्रल होता है और न्यूरोजेनिक होता है न्यूरोजेनिक का मतलब होता है बेटा कि ये जो भी होगा नर्वस कंट्रोल पे होगा ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है कैविटी हीमोसील होता है फ्लूड हीमोलिम्फ होता है और हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स अगर रेस्पिरेशन देखा जाए तो रेस्पिरेशन इंसेक्ट्स का जो है दैट इज पहला ट्रैक्यल सिस्टम है एरकनीड्स है क्रस्टेशियंस का गिल्स है किंग ग्रैप का बुक गिल्स है डियर स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म बायोलेट्रलि सिमेट्री होता है एग्जोस्केलेटन शो करता है ये एग्जो स्केलेटन पे काइटीनस एग्जोस्केलेटन होता है और यही काइटीनस एग्जोस्केलेटन इसे फर्स्ट क्या बनाया था फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बनाया था डी एस नाउ एक और चीज याद रखना ठीक है अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो क्या है बेटा पहला यूरिक एसिड है दूसरा अमोनिया है तीसरा गवानिन है यूरिक एसिड में इंसेक्टा दैट इज द मालपिगियन टूब्यूल्स कंसिडर करता है अमोनिया जो सिक्रीट करता है वो होते हैं उनके ग्लैंड का नाम ग्रीन ग्लैंड होता है ग्वानीना एरक नीड्स क्रिएट करते हैं जिसका नाम कॉक्सल ग्लैंड होता है एग्जाम्पल में हमने देखा था कॉकरोच हनी बी लैक इंसेक्ट सिल्क वॉर्म लॉकस जो ग्रिगेरिया पेश था डिजीज स्प्रेडिंग में था एनाफोलिज मॉस्क्यूटो दैट इज मलेरिया एडीज मॉस्क्यूटो डेंगू स्प्रेड करता है क्यूलैक्स मॉस्क्यूटो एलिफेंटिया स्प्रेड करता है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स थे ठीक है इस टाइप में बहुत सारी चीज़ों हमने डिस्कस किया था माउथ पार्ट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक्सप्लेन कर रहा था डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब कि ऐसा इवोल्यूशन जो डाइवर्ज हो रहा था फैल रहा था जैसे बाइटिंग चुइंग टाइप कॉकरोच में पियर्सिंग सकिंग मॉस्क्यूटो में चुइंग लैपिंग हाउस फ्लाई में स्पॉन्जिन और सिफो सिफोनिन टाइप डियर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट थे ट्यूब विद इन ट्यूब थे फोर गट मिड गट और हाइंड गट प्रेजेंट थे सेंसरी स्ट्रक्चर कंपाउंड आई के सिंपल आई के और एंटेना प्रेजेंट था टेंगो एंटेना बेटा क्या था यह एंटेना सबसे पहला प्रेशर को आइडेंटिफाई कर रहा था इस वजह से इसे क्या करे थे टेंगो रिसेप्टर्स सेकेंड वाइब्रेशन को आइडेंटिफाई कर रहा था विब्रियो रिसेप्टर थर्ड टेम्परेचर को आइडेंटिफाई आइडेंटिफाईफाई कर रहा था दैट इज थर्मो रिसेप्टर्स फोर्थ केमिकल को आइडेंटिफाई कर रहा था कीमो रिसेप्टर्स अब डियर स्टूडेंट्स बॉडी को बैलेंस करके चलाने में एक ऑर्गन का इस रिक्वायर होता है दैट ऑर्गन इज कॉमनली नोन एज वॉट स्टेटोसिस्ट कहते हैं नाउ डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्लासेस के बारे में डिस्कस किया जाए ठीक है या फिर सिंपली कह दिया जाए तो ये क्या चीज है क्लासीफिकेशन है आ रही बात समझ में तो क्लासिफिकेशन किसका है बेटा तो फोर सब फाइलम का क्लासिफिकेशन सही और नो डियर स्टूडेंट्स जिसमें कि सबसे फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट सब फाइलम जो है वो क्या है दैट इज ऑनको ऑनाइको फोरा गटे डियर स्टूडेंट्स अब देखो ये जो नाम पड़ा ऑनिकोफोरा इसमें एक्चुअल में ऑनिकोज टर्म जो लिया गया है ये एनिकोज टर्म क्लॉज के लिए लिया गया है जिसके पास पंजे होंगे ठीक है और आप जानते हो दैट इज द फोरस मीन्स वॉट बियरिंग दैट इज ऑनिको फोरा कहता है एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स ऑनिकोफोरास के एग्जाम्पल जो होते हैं ठीक है ये होता है सबसे पहला पैरीपैटस होता है पैरीपैटस जिस चीज को अपन वॉकिंग भी कहते हैं आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स ठीक है और यही पैरीपैटस एक्चुअल में क्या होता है बेटा कनेक्टिंग लिंक होता है क्या होता है कनेक्टिंग लिंक होता है वो भी किसमें तो बिटवीन एनिलीड्स एंड आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स अब देखो इस जगह पे जो इनकी एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ठीक है और अनजॉइंटेड लेग्स होते हैं ये एक्चुअल में एनिलिडन कैरेक्टर्स होते हैं लुक एट दैट फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इनके पास एक्सक्रीटरी डक्ट होती है पहला एक्सक्रीटरी डक्ट के बाद क्या होता है बेटा अन ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं ठीक है किसके जैसा तो पैरापोडिया के जैसा अब डियर स्टूडेंट्स अन लेग्स हैं तो ये कैरेक्टर किसके हैं ये एनी लीडा के कैरेक्टर्स है आ रही बात समझ में अब दूसरा है प्रेजेंट होता है इसके ऊपर एंटेना ठीक है और करता है क्या ट्रैक्यूअल रेस्पिरेशन तो बेटा ट्रैक्यूअल रेस्पिरेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है तो ये फीचर्स है अर्थरोपोडा का तो बोलिए यही कनेक्टिंग लिंक हो गया ना नेक्स्ट अब याद रख लेना कि दूसरा जो होता है सेकेंड ये फर्स्ट हो गया अब सेकेंड सब फाइलम सेकेंड सब फाइलम का नाम अपन क्या देते हैं दैट इज ट्राई लो बीटा यस ट्राई लो बीटा कहोगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्राई लॉबिटा तो बेटा सब नाम को तोड़ो ट्राई मतलब थ्री ठीक है उसके बाद नेक्स्ट uh, आता है लोब मींस बॉडी यानी जिनके पास थ्री लोब्ड बॉडीज होते हैं उसे ट्राइलॉबिटाज कहते हैं याद रख लेना इस चीज को अपन क्या कंसीडर करते हैं जाइंट पॉड्स कंसिडर करते हैं जो कि अब क्या हो चुके हैं एक्सटिंक्ट हो चुके हैं आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स ठीक है नेक्स्ट अब थर्ड आता है जिस चीज का नाम अपन क्या देते हैं सब फाइलम क्या है बेटा सब फाइलम है सब फाइलम कौन सा दैट इज चैली सिरेटा ओके डियर स्टूडेंट्स अब क्योंकि सर चैली सिरेटा यस डियर स्टूडेंट्स चैली सिरेटा में दो क्लास प्रेजेंट होता है कितने क्लास प्रेजेंट होते हैं टू क्लास द फर्स्ट क्लास इज नोन एज जो फर्स्ट क्लास है बेटा चालीस ए रेटा में फर्स्ट क्लास इज नोन एज द मेरो मेरोस्टोमेटा ठीक है बेटा अब इसके बारे में मेरोस्टोमेटा क्या है बेटा इसका एग्जाम्पल है डायरेक्ट लिम्यूलस लिम्यूलस जिसे क्या कहते हैं किंग क्रैब कहते हैं जो कि एक लिविंग फॉसिल है कोई दिक्कत नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब इसी में दूसरे क्लास के बारे में बात करते हैं सेकेंड क्लास इसका जो है दैट इज क्लास नीडा कौन सा क्लास है बेटा नीडा है जिसमें एरेकनी जो होता है एरेकनी दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट स्पाइडर ठीक है और इस चीज को अपन क्या कह सकते हैं ऑइड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं से नो no. जिसमें मतलब स्पाइडर लाइक स्ट्रक्चर है जैसे कि देखो फर्स्ट चैली सिरे ये क्या होगा वन पेयर होगा ठीक है और चैली सिरे बेटा क्या रहता है कि मान लो ये हेड है ठीक है और ये थॉरिक्स हैं तो बेटा समझना कि आप इसी के जगह पे ऐसा स्ट्रक्चर होल्डिंग के लिए निकला हुआ रहे इसी स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे चालीस सिरे कहेंगे कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स ठीक है और ये किससे कॉम्पेरेबल होता है कॉम्पेरेबल टू मैंडेबल दांतों से कॉम्पेरेबल होता है बेटा नाउ अब दूसरा आता है दैट इज पैल्प जो होता है बेटा ये भी कितने होते हैं वन पेयर होते हैं तो ये कॉम्पेरेबल किससे होता है टू मैग्जिले से होता है मतलब लोअर वाला जो दांत का जबड़ा है उससे मैंडिबल कहते हैं और ऊपर वाला जो दांत का जबड़ा है उस चीज को क्या कहते हैं मैग्जिले कहते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट्स अब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फोर पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं कितने होते हैं चार पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होता है किसमें सिफेलोथोरक्स एंड ऑफिस्थो सोमा वही है भाई ठीक है इसे अपन प्रोसोमा कहते हैं ठीक है जहां पे हेड और फ्यूज होते हैं हेड प्लस थॉरेक्स होता है और इस चीज को बेटा अपन क्या कह देते हैं एब्डोमन देते हैं सही है नो नेक्स्ट एंटेना क्या होता है बेटा एंटेना एबसेंट होता है ठीक है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है बेटा कॉक्सल ग्लैंड होता है शायद मैंने ऑलरेडी बताया भी था ठीक है रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन जो होगा बेटा वो कुछ इस टाइप के गिल से होगा नाम क्या आ गया बुक गिल्स सही है सर नो नहीं बुक गिल्स नहीं बुक लंग्स होगा सॉरी बाय मिस्टेक मैंने बुक गिल्स कर दिया दिस इज बुक लंग्स ओके आरक नीड्स अब ये कैसे होते हैं मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में देख लो फर्स्ट स्कॉर्पियोन है बोलो या ना ये किस नेचर का है तो कार्निवोरा है ठीक है नेक्स्ट इसके एब्डोमेन में एब्डोमेन में क्या प्रेजेंट होता है न्यूरो टॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं जो एक बार सिगरीट करेगा और खत्म कर देगा बोलो या ना कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स नाउ अब एक और चीज देखो यही स्कॉर्पियन कैसे हो जाएंगे यही स्कॉर्पियन डायमोर्फिज्म शो करेंगे अरे डियर स्टूडेंट समझ में डायमोर्फिज्म शो करेंगे और कैसे होंगे वी वी पैरस होंगे ओके नेक्स्ट आएगा सेकंड स्पाइडर और आपको पता होना चाहिए स्पाइडर वेब जो सिक्रीट करता है वेब सिक्रीटेड बाय एब्डोमेन वो कहां से सिक्रीट कर रहा है बेटा एब्डोमेन से सिक्रीट कर रहा है ठीक है नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जनरली देखते हैं क्या जिसका नाम है टेक्स क्या चीज नाम है डियर स्टूडेंट्स टेक्स और थर्ड टेक्स एंड माइट्स अब ये क्या है ये एक्टोपैरासाइट है बेटा है ना है? ये एक्टोपैरासाइट है और एक्टोपैरासाइट जनरली कहां पे प्रेजेंट होता है तो ऑन द बॉडी ऑफ मैमल्स पे प्रेजेंट होते हैं से ये नो अब बॉडी के मैमल्स पे प्रेजेंट है तो ये एक डिजीज करवाते हैं उस डिजीज का नाम क्या है बेटा इसके बीज है उस डिजीज का नाम क्या है इसके बीज डिजीज के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स एक और बात समझो ठीक है कि और भी जैसे एग्जाम्पल ये एक्चुअल में आपने अक्सर डॉग्स के बॉडी पर देखा होगा छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के प्रेजेंट होते हैं जिसे टीक्स कहते हैं ठीक है अब एक और है बॉडी के ऊपर जो डिजीज रहता है स्केबीज मतलब कि रेडिस एपियरेंस ऐसा लगता है कि छोटे छोटे थोड़े थोड़े फुल्ली हो गए हैं ये बेटा एक्चुअल में स्कैबीज होता है ये स्कैबीज हमारे जस्ट स्कीन के नीचे एंटर हो जाता है जिसके वजह से हमें काफी ज्यादा इचिंग होता है हालांकि जब टिक्स के बारे में देखा जाए तो ये ट्रांसमिटिंग एजेंट है फीवर का भी जैसे कोलाराडो टिक टिक फीवर हो गए टाइफस फीवर हो गए रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गए ये भी जनरली क्या होता है टिक्स ही स्प्रेड करते हैं डियर स्टूडेंट्स अब जरा देखा जाए तो हम लोगों को फोर्थ सब फाइलम पढ़ना है लुक एट दैट फोर्थ सब फाइलम अब ये बेटा जो फोर्थ सब फाइलम इसमें क्लासेस भी सबसे ज्यादा है फोर्थ सब फाइलम इज कॉमनली नोन एज द मैंडी ब्यूलेटा उसे क्या कहते हैं हम लोग मैंडी ब्यूलेटा कहते हैं मैंडिब्यूलेटा का मतलब मैंने अभी बताया था कि मैंडिबल होते और मैंडिबल प्रेजेंट हुआ मतलब कहीं ना कहीं अपर जॉब प्रेजेंट होगा सही yes no. है नाउ डियर स्टूडेंट्स अब मैंडिब्युलेटा में टोटल जो क्लासेस हमें डिस्कस करने हैं वो फोर क्लास डिस्कस करने हैं ठीक है देखिए फर्स्ट फर्स्ट जिस चीज को अपन किसका क्लास कहते हैं क्लास कहते हैं क्रश कहते हैं या क्रस्टेशिया टेसिया कह लो नेक्स्ट अब जरा समझना क्रस्टा का मतलब क्या हो रहा है यहां पर जो टर्म है बेटा क्रस्टा means hard exo skeleton क्या होता hard exo skeleton है बेटा हार्ड एक्जो स्केलेटन को अपन क्रस टा कहते हैं क्लियर है डियर स्टूडेंट अब ये हार्ड एक्सो स्केलेटन है बॉडी पर तो कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा ये सिफेलोथोरिक्स होगा तभी तो हार्ड फॉर्म कर पाएगा अब नेक्स्ट देख लो ठीक है हार्ड कवरिंग है सेफेलोथोरिक्स तो इसी चीज का दूसरा नाम क्या आता है इसी चीज का नाम आता है कैरा पीस बेटा यही कैरा पैस जो क्रैब के ऊपर में प्रेजेंट होता है एग्जांपल जब आप क्रैब को देखोगे तो क्रैब कुछ आपको इस टाइप में दिखेगा बोलो या हाँ ना इसके पैर ऐसे लोअरली होंगे ठीक है अब इसके बॉडी के ऊपर ये कुछ इस टाइप का चैली से रेटा होगा बोलो हाँ या ना तो बेटा अब ये जो क्रैब के ऊपर में दिख रहा है आपको ये जनरली क्या दिख रहा है तो ये चीज ही आपको कैरा पेस दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स कोई दिक्कत डियर स्टूडेंट्स अब देख लो कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म तो एक्वेटिक होते हैं ना तो एक्वेटिक में रेस, आ, एक्वेटिक में क्या प्रेजेंट होगा गिल्स प्रेजेंट होगा ठीक है तो ये क्या कर रहा होगा गिल्स रेस्पायर कर रहा होगा सही है सर नो अब इसमें देखो अब कैरापेस में कुछ ऐसे ग्रुप है जिसमें लेग्स जो होते हैं वो फाइव पेयर होते हैं मैंने एक पेयर लेग कम बनाए लो ये वो भी बना देता हूं ठीक है फाइव पेयर लेग्स होते हैं ठीक है एंटेना कितना होता है एंटेना टू पेयर होते हैं डियर स्टूडेंट्स ठीक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन एक्सक्रेटरी ऑर्गन क्या होता है बेटा ग्रीन ग्लैंड होता है ठीक है जो कहां पे प्रेजेंट होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ एंड टेना एंड के बेस में प्रेजेंट होता है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अब कंपाउंड आय पाया जाता है ठीक है डियर स्टूडेंट्स क्या पाया जाता है कंपाउंड आय पाया जाता है जिसमें यह देखा जाता है कि माइन्यूट स्मॉल ऑमेटीरिया प्रेजेंट होता है जो कि मोजाइक विजन शो करता है ना इसमें एक और चीज याद रखिएगा कि इसकी जो डेवलपमेंट होती है डेवलपमेंट कैसी होती है इनडायरेक्ट होती है डियर स्टूडेंट्स अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हुई तो क्या होगा लार्वा होगा सो so, लार्वा के नाम क्या होंगे बेटा लार्वा का नाम इन लोगों का सबसे कॉमन लार्वा होगा दैट इज नो पीलस ठीक है जो कॉमन लार्वा है अरे बात समझ में लेकिन कुछ लार्वा और भी है दैट इज पहला है जोया ठीक है मेगालॉप, लॉप नेक्स्ट फाइलो सोमा अलीमा ए ये सबसे कॉमन लार्वा जो है वो क्या है नोपीलस है लेकिन जो मेगालोपा, फाइलोसोमा अलीमा ये सब भी बेटा क्या होते हैं लार्वा कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट अब इसके एग्जाम्पल देखोगे एग्जाम्पल क्या है बेटा सबसे पहला है प्लेमोन जिसे अपन क्या कह सकते हैं प्रॉन कहते हैं मीन्स झींगा अरे बात समझ में इसका लार्वा का नाम है दैट इज uh, नोप्लियस क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है और मेटानोप्लियस लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा एस्ट्राकस एस्ट्राकस जिसे अपन क्रेफिस कहते हैं क्या है, कहते हैं डियर स्टूडेंट्स क्रेफिस कहते हैं इसमें लार्वा एबसेंट होता है नेक्स्ट कैंसर जिसे क्या कहते हैं क्रैब कहते हैं लार्वा का नाम जो होता है बेटा जोआ और दैट इज मेगा लोपा होता है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स यू पैगेरस कहलाता है जिस चीज को अपन हर्मिट क्रैब कहते हैं अब हर्मिट क्रैब का जो लार्वा है बेटा दैट इज स्क्यूला है क्या डियर स्टूडेंट्स स्क्यूला है नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स और होता है दैट इज साइक्लॉप्स इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं साइक्लॉप्स को बेटा ये सेकेंडरी होस्ट है किसके लिए तो फोर ग्यूनिया वॉम मदीना वॉम कहते है, याद है ना ग्यूनिया वाली बात समझ में इसका भी लार्वा का नाम बेटा नोप्यूलस है नेक्स्ट डेफनिया दैट इज डेफनिया बेटा डेफनिया को अपन क्या कहते हैं वाटर फ्ली कहते हैं सही है नो so, नेक्स्ट yes no? है इसी पे कितना एग्जाम्पल देखोगे क्योंकि ज्यादा एग्जाम्पल देखोगे तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए बस इतना ही एग्जाम्पल ठीक है क्रस्टेशियंस का जो क्लासेस है उसमें पैलम ये प्लेमोन एस्टेकस कैंसर यू यू पैगरस साइक्लॉप डेफनिया ये सब सारे नाम कंसिडर्ड होते हैं ठीक है और ये सब प्रेजेंट होते इसमें वुड लाइस भी होते हैं जो हमने नहीं बताया और जरूरत भी नहीं है है ना क्योंकि लास्टली आपको याद रखना है और मुझे पूरा उम्मीद है कि इतना आप लोग याद नहीं रखोगे बेटा इसका तो फर्स्ट क्लास क्रस्टेशन हो गया अब सेकंड क्लास को डिस्कस करोगे तो बेटा सेकंड क्लास जो होता है चिली पोड़ा होता है डा डियर स्टूडेंट्स देखो भाई अब इसमें सबसे कॉमन सेंटीपीड्स प्रेजेंट होते हैं ठीक है वन पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ऑन ईच सेगमेंट प्रत्येक सेगमेंट में प्रेजेंट होता है बेटा नाउ अब देखो बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दो चीज प्रेजेंट होते हैं हेड एंड एब्डोमेन होता है ठीक है थोरिक्स इसमें प्रेजेंट नहीं होता है बॉडी सेगमेंटेड होता है सही है नो, सिंपल आई प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट सिंपल आई प्रेजेंट होता है नेक्स्ट ये होता है कार्नी वोरा और क्या होता है बेटा पॉइजो नस हैं ठीक है एग्जाम्पल अगर देखोगे दैट इज स्कॉलॉप पेंड्रा ओके डियर स्टूडेंट्स जो एनसीआरटी में डायग्राम दिया हुआ है नाउ नेक्स्ट क्लास आता है दैट इज क्लास डिप्लो पोडा अब कहोगे कि डिप्लोपोडा का क्या तो बेटा डिप्लो का मतलब हो गया टू पेयर ऑफ लेग्स इन पर सेगमेंट ठीक है उस चीज को अपन क्या कहेंगे डिप्लोपोडा कहेंगे लेकिन ये जो डिप्लोपोडा है बेटा ये कौन सा पीड्स कहलाता है मिलीपीट्स कहलाता है ठीक है याद रख लेना मिलीपीट्स और सेंटिपीट्स दोनों किस फाइलम में अर्थरोपोडा फाइलम में प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट समझो अब आगे देखना ठीक है बॉडी डिफ्रेंसिएटेड होगा इसमें हेड भी होगा थॉरेक्स भी होगा एंड एब डोमन भी होगा अरे बात समझ में आई एबसेंट होगा नेक्स्ट हरवी बोर्ड होंगे और नन पॉइजो नस होगा डियर स्टूडेंट्स ठीक है डेवलपमेंट कैसे होंगे डायरेक्ट होंगे अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्पल अगर देखोगे जूलस नेक्स्ट डी इसका जो है क्लास बेटा वो क्लास कौन सा है इंसेक्टा का है दैट इज हेक्सापोडा, नाउ डियर स्टूडेंट्स अगर इसकी स्टडी को देखी जाए ठीक है तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को अपन क्या कह सकते हैं दैट इज एंटोमोलॉजी कहते हैं सही है सर नो नेक्स्ट इसमें हेड थॉरेक्स एंड एबडोम प्रेजेंट होता है डियर स्टूडेंट्स नाउ इंसेक्टा में एंटेना प्रेजेंट होता है वन पेयर जिसमें हम लोगों ने काफी ज्यादा डिस्कस किया था शायद आपको अच्छे तरीके से याद भी हो कंपाउंड आई पाया जाता है और डियर स्टूडेंट्स एक बात मैं बोल दूं कि दूर को जब भी क्लासिफाई किया जाता है तो वो क्लासिफाई सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे किया जाता है तो वो इंसेक्टा के बेसिस पे किया जाता है ठीक है हेक्सापोडा का मतलब सिक्स लेग्स प्रेजेंट होंगे ठीक है ब्लड पिगमेंट एबसेंट होगा उसके जगह पर क्या होंगे हिमो लिम्फ प्रेजेंट होंगे ठीक है ब्लड पिगमेंट एबसेंट रेस्पिरेशन जो होगा रेस्पिरेशन बेटा किससे होगा तो ट्रैक्यल ट्यूब से होगा और ये ट्रैक्यल ट्यूब मोस्टली क्या होते हैं सबसे एफिशिएंट मोस्ट एफिशिएंट मींस सबसे ज्यादा वर्क करता है मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन कोई है तो ये है बेटा डियर स्टूडेंट्स एक और बात समझो ठीक है एक्सक्रीशन जो होगा मालपीगियन टिब्यूल से होगा बस डियर स्टूडेंट्स इतना ही डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा ठीक है सो लार्वा के नाम होंगे तो लार्वा का नाम क्या क्या होगा सबसे पहला होगा कैटरपिलर कैटरपिलर के बाद मेगॉड्स होंगे और ग्रुबा या ग्रूब इट इज ही प्रेजेंट हू डियर स्टूडेंट्स इसका एग्जाम्पल देख लो इसका एग्जाम्पल जो है बेटा सबसे पहले जितने भी फ्लाईज हैं, ठीक है दैट इज बटरफ्लाई हाउस फ्लाई हनी बी वास्प लाउस टर्माइट्स मौत मॉस्क्यूटो ड्रैगन फ्लाई ईटीसी अब कितना लिखो यार इटीसी अरे बात समझ में डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखो एक और चीज बता दे रहा हूं मैं एक का नाम है सिल्वर फिश क्या नाम है डियर स्टूडेंट्स सिल्वर फिश जिसे अपन क्या कह सकते हैं लेपिस मा कहते हैं वो भी क्लास इंसेक्टा में आता और बिलोंग किस चीज पे करता है तो फाइलम आर्थ्रोपोड्स पे बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स ये इतनी बड़ी क्लासेस याद रखना इतनी बड़ी क्लासेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक तरीके से आपको पढ़ाई करना होगा इसमें अरे बात समझ में डियर स्टूडेंट सो डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में और जिसमें और भी चीजें फर्दर डिस्कस करेंगे ठीक है डियर स्टूडेंट्स छो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग